ये करो मां शेरा वाली विदा। यहाँ हम रुके हैं थोड़ा सा फ़ोटो खींचने के लिए और थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सैर सूर कर लें। तो ये थोड़ा सा माहौल मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये बाहर फोटो में खींच रहे हैं और बड़ा ही अच्छा नज़ारा है और हवा बड़ी चल रही है। आज बारिश हो के हटी है और यहाँ पे पहले ही मैं जब अमृतसर से निकल रहा था तो मैं देखा था नेट पर कि हिमाचल में बारिश होगी। वो वाकई में हमें बारिश रास्ते में मिली और बड़ा अच्छे हमें दर्शन हुए चिंतपूर्णी के। अब हम रास्ते में हैं, हमें अबाउट एक घंटा लगेगा, बस एक डेढ़ घंटा लगेगा, क्योंकि अभी भी हम हैं अभी फिर भी माउंटेन्स पे ही। ये जो आप देख रहे हो मेरे पीछे माउंटेन्स हैं, अभी वो हम बाहर शूट हो रहा है और वो फोटोएं खींच रहे हैं। आपको एक चिंतपूर्णी की बात बताता हूँ कि यहाँ पे कोविड के कारण थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस हुई है, जो कि 26 तारीख से शुरू हुई थी और 1 मार्च से तो वैसे भी है ही है। तो मैंने कहा पहले ही दर्शन कराते हैं और क्या पता कोई रूल ऐसे चेंज हो जाए
क्या पता इन्होंने कौन से रूल चेंज करने हैं, क्या करना है। तो मैंने कहा आज 27 तारीख है और पूर्णमासी थी, तो फटाफट से दर्शन कराएं। माता चिंतपूर्णी के अच्छे दर्शन हुए और अब हम देखते हैं, रास्ते में कुछ चाय पियेंगे तो वहाँ पे देखते हैं कोई अच्छा सा कोई ढाबा मिलता तो टी स्टॉल कोई अच्छा सा मिले तो कहीं पे बैठ के चाय पीते हैं, फिर थकावट उतरेगी। अब पहाड़ पहले उतर जाते हैं फिर उसके बाद चाय पीते हैं।